34 साल के लॉ ग्रेजुएट लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में साल 2007 में कदम रखा और आज की तारीख में लॉरेंस के गैंग में तकरीबन 700 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराध का जहां और मैं हूं आपके साथ अरविंद ओझा। आज की कहानी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। 12 फरवरी 1992 फजिलका पंजाब, ये तारीख एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे लॉरेंस की है। पिता लोविंदर का किसानी का काम था और मां सुनीता बिश्नोई हाउसवाइफ। लॉरेंस की स्कूल पढ़ाई एजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल अबोहर से हुई। यहीं से उसने हॉस्टल में रहते हुए 10वीं की, इसके बाद डीएवी चंडीगढ़ से 12वीं, इसके बाद साल 2007 में कानून की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यही वो साल है जब लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस फिटनेस को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। आज वो दिन भर सिर्फ दूध दही और फल खाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद लॉरेंस ने 1500 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस शुरू की। इस दौरान कई दोस्त बने। फिर अगले साल होने वाले छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस ने भी ताल ठोकी और दूसरे पक्ष के प्रत्याशी उदय पर गोली चला दी और इसके बाद करीब 1.5 से 2 महीने जेल में रहा। जेल में उसकी दोस्ती हथियार तस्कर रंजीत दुपला से हुई। रंजीत इन दिनों अमेरिका में है। जेल में रहने के दौरान ही रंजीत ने लॉरेंस की बातचीत संपत मेहरा और काला जठेड़ी से करवाई। बाद में ये दोनों लॉरेंस को हथियार सप्लाई करने लगे। जेल से आने के बाद लॉरेंस ने अपराध जगत में अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस खड़ा हुआ लेकिन हार गया और इसी हार का बदला उसने जीतने वाले उम्मीदवार के पैर तोड़ कर लिए। लॉरेंस की दहशत बढ़ने लगी थी। अगले साल यानी 2011 में हुए छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस की जीत हुई। ये दहशत की जीत थी। बढ़ती दहशत के साथ ही लॉरेंस का जेल आना जाना लगा रहा। कुछ महीने जयपुर की जेल में भी लॉरेंस रहा। सालासर में नाकेबंदी तोड़ने पर साथियों साथ सीकर जेल में कुछ महीने रहने के बाद फिर रोपड़ जेल भेजा गया। इसी बीच लॉरेंस की बुआ के लड़के की हत्या हो गई। इस खबर ने लॉरेंस के दिमाग की नसें हिला दी। हत्यारों की तलाश में जेल से भागा और हरियाणा के कई इलाकों में भटकता रहा। साल 2015 में गुड़गांव में पकड़े जाने के बाद पंजाब की नावा जेल भेजा गया। लॉरेंस जेल के अंदर हो या बाहर उसकी दहशत बनी रही। साल 2016 में जेल में तलाशी के दौरान बहस होने पर जेल सुपरिटेंडेंट पर गोली चलवा दी। गनीमत रही कि गोली जेल सुपरिटेंडेंट के पैर में लगी। इसके बाद लॉरेंस को पटियाला जेल भेजा गया जहां कुछ और बदमाश लॉरेंस की गैंग में जुड़े। लॉरेंस जिन जिन जेलों में रहा वहां से वो बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल करता रहा और जेल से ही फिरौती और हत्या का कारोबार चलाता रहा। वसूली लॉरेंस का एक बड़ा कारोबार बन चुका था। हरियाणा और राजस्थान से लॉरेंस की वसूली का कारोबार जेल से फलने फूलने लगा। लॉरेंस ने हीरा कारोबारियों में अपना डर बैठाने के लिए 3 व्यापारियों पर गोली चलवा दी। हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा खत मिला था। शक जताया गया कि यह धमकी भरा खत लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही भेजा था। दरअसल इसका एक सिरा कुछ साल पहले एक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि एक बार जोधपुर कोर्ट में लॉरेंस की पेशी थी और संयोग से उसी दिन सलमान खान भी काले हिरण मामले में जोधपुर की कोर्ट में पेश हुए थे। इसी दौरान लॉरेंस ने सलमान को धमकी दी। इसके बाद अब लॉरेंस गैंग के संपत मेहरा ने सलमान खान के घर की रेकी की। खबर के मुताबिक हमले के इरादे से ही संपत मुंबई गया था लेकिन हथियार की रेंज से सलमान का घर काफी दूर था। लॉरेंस गैंग की आमदनी का आधार वसूली है। वसूली के इस कारोबार को उसने जेल से ही बढ़ाया। इस गैंग को आगे बढ़ाने के लिए फर्जी पासपोर्ट के जरिए उसने अपने गैंग के साथी राजू बसोदी और वीरेंद्र उर्फ काला राणा को थाईलैंड भिजवाया था।
इन सालों में लॉरेंस कई बार दिल्ली में करोड़ों की फिरौती के लिए अब तक कई बार गोलियां चलवा चुका है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड की साजिश भी लॉरेंस ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही रची थी। फिलहाल लॉरेंस पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को झकझोर दिया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब पंजाब में गैंगस्टर खुलकर खेलने वाले हैं? मूसेवाला को लेकर लॉरेंस गैंग का खुलेआम कबूलनामा कुछ ऐसे ही सवाल खड़े करता है। आज बेशक लॉरेंस पंजाब पुलिस के शिकंजे में है, मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली से लेकर पंजाब तक पूछताछ का दौर चल रहा है, मगर वसूली का उसका कारोबार इस दहशत से कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। लॉरेंस यही चाहता है, दहशत बनी रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।